रात में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी प्रेजेंस ऑफ अ टेररिस्ट इन कापरन विलेज, तो अर्ली मॉर्निंग 34 RR पुलिस और 178 बटालियन CRPF के फोर्स ने कॉर्डन लगाया और वहाँ पे सुबह 6 बजे के अराउंड फायरिंग शुरू हो गई। ये मदरसा था, मदरसा के पास से ही फायरिंग शुरू हुई, तो वहाँ पे एक जैश का मिलिटेंट हनीस एट द रेट कामरान भाई वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ है आज कापरन के विलेज में। मैम, चौधरी गुंड से 6 या 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वाकया, जहाँ पे वो पूर्व कृष्णबाग को मारा गया था एक पंडित, तो आपको लग रहा है कि इस फॉरनर का उसमें हाथ था या नजदीक देखा जाएगा? नहीं, चौधरी गुंड के इंसिडेंट में हमें कुछ लीड मिली है, ये जैश का है, वो लश्कर का काम था, तो इसका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था, पर हम लोग श्योर है कि ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट करने के लिए ही आया होगा यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी सफलता मिली है फोर्सेस को। जी मैम, 2 सालों से ये एक्टिव रहे हैं साउथ कश्मीर के अलग अलग अजलाओं में, इनकी मेजर जो है एक्शंस क्या रही, क्या एक्टिविटीज रही और पुलिस रिकॉर्ड में इनका नाम किस कैटेगरी में आता है? ये पाकिस्तानी था, तो ये तो कैटेगरी A+ में आता था, और ये अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि ये 7-8 महीने से कुलगाम और शोपिया के बॉर्डर में एक्टिव था। कोई इंसिडेंट तो इसके रिलेटेड अभी तक नहीं पता चला है कि इसका किस इंसिडेंट में